19 फरवरी 1630 का वो दिन था जिस दिन शाहजी भोसले और जीजाबाई के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म होता है। बालक का जन्म शिवनेरी किले पुणे में होता है, जिस वजह से उनका नाम शिवाजी रखा जाता है। जन्म के समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये बालक उसी राज्य का एक दिन राजा बन जाएगा जिसमें उसके दादा और पिता सेनापति हैं। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये बालक भारत की पहली नेवी का निर्माण करेगा। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये बालक औरंगजेब जैसे खूंखार बादशाह के रातों की नींद गायब कर देगा। तो आइए देखते हैं इस साधारण से बालक ने कैसे इतनी कम उम्र में ऐसा कारनामा किया, कैसे इस बालक ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, कैसे इस बालक ने मुगलों से घिरे हुए भारत में एक हिंदू राज्य निर्मित किया जिसमें ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी उतने ही सुरक्षित थे जितने कि हिंदू, और दोनों का बराबर सम्मान था। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। शिवाजी के जन्म के समय उत्तर भारत में मुगल सम्राट शाहजहां का राज था, वहीं दक्कन यानी दक्षिण भारत में आदिल शाही बीजापुर, निजाम शाही अहमदनगर और कुतुब शाही गोलकुंडा का शासन था। शिवाजी के जन्म के समय पिता शाहजी भोसले आदिल शाही बीजापुर के सेनापति के रूप में तैनात थे। शाहजी भोसले को बीजापुर के दक्षिण का कार्यभार सौंपा गया था, इसीलिए वे शिवाजी के जन्म के समय अनुपस्थित थे। शिवाजी की बीजापुर में व्यस्तता की वजह से उन्होंने पुणे की जागीर पत्नी जीजाबाई और पुत्र शिवाजी के नाम कर दी थी। शिवाजी उस समय काफी छोटे थे, इसलिए जागीर की देखभाल दादोजी कोंडदेव किया करते थे। शिवाजी के व्यक्तित्व निर्माण में माता जीजाबाई और गुरु दादोजी कोंडदेव का काफी योगदान था। दादोजी कोंडदेव ने शिवाजी को राजनीतिक और प्रशासनिक शिक्षा के अलावा घुड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी की शिक्षा देकर एक योद्धा के रूप में पारंगत किया। वहीं दूसरी ओर माता जीजाबाई ने शिवाजी को महाभारत और रामायण के महान चरित्रों के बारे में बताया, जिससे शिवाजी का मानसिक विकास भी हुआ। जीजाबाई ने शिवाजी के बचपन में ही उनके चरित्र निर्माण की आधारशिला रख दी थी। माता जीजाबाई और गुरु दादोजी कोंडदेव के लालन पालन ने शिवाजी को बचपन से ही निर्भीक, सहनशील और कर्मठ बना दिया था। शिवाजी जब 16 वर्ष के हुए तब उनके गुरु दादोजी कोंडदेव की मृत्यु हो गई। इसी वजह से पुणे की जागीर पूर्णतः शिवाजी के हाथों में आ गई। परंतु शिवाजी अपने पिता की तरह आदिलशाही की हुकूमत में काम नहीं करना चाहते थे। उस समय पुणे की जागीर भी आदिलशाही में ही आती थी। 1646 में सुल्तान आदिलशाह की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से बीजापुर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। शिवाजी इसी मौके का फायदा उठाते हैं और तोरणगढ़ के किले को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तोरणगढ़ को जीतने के बाद शिवाजी 2 वर्ष के भीतर गुरिल्ला युद्ध की मदद से आसपास के सारे किले भी जीत लेते हैं। सारे किले जीतने के बाद शिवाजी रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। शिवाजी के बढ़ते हुए वर्चस्व को देखकर आदिलशाही के सम्राट भयभीत हो उठते हैं। शिवाजी को रोकने के लिए सम्राट अपने ही सेनापति यानी शिवाजी के पिता शाहजी को बंदी बना लेते हैं। इसी वजह से कुछ समय के लिए शिवाजी को अपना विजय अभियान रोकना पड़ता है। अपने पिता को आदिलशाही के चंगुल से छुड़ाने के लिए शिवाजी कोंढाड़ा का किला वापस कर देते हैं। शिवाजी के हिंदवी स्वराज्य के अपने इस अभियान में कई अन्य जागीरदारों से मित्रता करके उन्हें भी अपने साथ जोड़ लिया। युद्ध, मित्रता और संधि की सहायता से शिवाजी ने एक बड़ी सेना तैयार कर ली और इस प्रकार से धीरे धीरे शिवाजी का वर्चस्व चारों ओर फैलने लगा। शिवाजी के बढ़ते हुए वर्चस्व को देखकर आदिलशाह के रातों की नींद उड़ जाती है। 1657 में आदिलशाह ने 20,000 सैनिकों के साथ अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी का खात्मा करने के लिए भेजा। अफजल खान कद काठी में शिवाजी का 2 गुना था और उसके पास सैन्य ताकत भी कई गुना ज्यादा थी। अफजल खान की ताकत का अंदाजा शिवाजी ने भली प्रकार से लगा लिया था, अतः शिवाजी ने अफजल खान को बुद्धि से हराने की युक्ति निकाली। शिवाजी ने ऐसा माहौल बना दिया मानो वे अफजल खान से भयभीत हो। अफजल खान भी शिवाजी के जाल में फंस गया। शिवाजी अपनी सेना के साथ प्रतापगढ़ के किले में चले गए। अफजल खान प्रतापगढ़ के किले को भेजने में असमर्थ रहा, इसीलिए उसने एक संदेश के माध्यम से शिवाजी से मिलने की इच्छा प्रकट की। 10 नवंबर 1659 का दिन दोनों की मुलाकात के लिए तय किया गया। शिवाजी अफजल खान के मंसूबे से भली भांति परिचित थे।
हालांकि दोनों बिना हथियारों के साथ एक दूसरे से मिलने आए थे। शिवाजी ने फिर भी अपना लोहे का कवच पहना हुआ था। मुलाकात के दौरान अफजल खान ने शिवाजी से गले मिलने की लालसा व्यक्त की। शिवाजी ने अफजल खान को गले लगाया और इसी दौरान अफजल खान ने अपना असली रंग दिखा दिया। अफजल खान ने शिवाजी की पीठ पर एक धारदार खंजर से वार कर दिया। शिवाजी के सुरक्षा कवच ने उनकी जान बचा ली। शिवाजी ने भी अफजल खान पर बाघ नख से हमला कर दिया और खुद से दोगुना अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया। शिवाजी के विजय की यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। शिवाजी ने भी मौके का फायदा उठाते हुए बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। शिवाजी ने बीजापुर के सारे बड़े अधिकारियों को बंदी बना लिया। अफजल खान को मारकर शिवाजी ने सभी को अपनी बुद्धि, शौर्य और कुशलता का परिचय दे दिया। इस विजय के बाद शिवाजी दक्कन में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरे। आदिल शाह भी इतनी आसानी से हार मानकर बैठ जाने वालों में से नहीं था। आदिल शाह ने एक बड़ी सेना के साथ रुस्तम जहां को शिवाजी से अपनी हार का बदला लेने के लिए भेजा, पर शिवाजी ने एक बार फिर से आदिल शाह को नाको चने चबवा दिए। शिवाजी ने रुस्तम जहां को भी हरा दिया और पन्हाला का किला भी अपने नाम कर लिया। शिवाजी से बार बार मिलती हुई हार ने आदिल शाह का हौसला पस्त कर दिया। आदिल शाह इस बात को कबूल ही नहीं कर पा रहा था कि उसके ही सेनापति के बेटे ने दो बार उसे इस तरह से जलील किया है। आदिल शाह ने शिवाजी को हराने के लिए अब मुगल बादशाह औरंगजेब से मदद मांगी। दक्कन में शिवाजी की बढ़ती हुई ताकत को देखकर औरंगजेब भी काफी चिंतित था। मुगल कई सालों से दक्कन में अपना विस्तार करना चाह रहे थे, पर इस जगह पर शिवाजी का बढ़ता हुआ दबदबा देखकर औरंगजेब ने आदिल शाह की मदद करने की ठान ली। औरंगजेब ने अपने मामा साहिस्ता खान को एक बड़ी सेना के साथ दक्कन पर कूच करने के लिए भेजा। कुछ ही दिनों में साहिस्ता खान ने शिवाजी के लाल महल को अपने कब्जे में ले लिया। साहिस्ता खान की ताकत का अंदाजा शिवाजी को हो चुका था। शिवाजी ने एक बार फिर साहिस्ता खान से जीतने के लिए कूटनीति और गुरिल्ला युद्ध का सहारा लेना ही सही समझा। शिवाजी ने 400 गुरिल्ला सैनिकों के साथ भेष बदलकर साहिस्ता खान पर हमला बोल दिया। हालांकि इस हमले में साहिस्ता खान बच निकला, पर शिवाजी ने अपनी तलवार से साहिस्ता खान की तीन उंगलियां काट दी। शिवाजी ने साहिस्ता खान के कई सैनिक और कुछ परिवारजनों को भी मार गिराया। इस प्रकार से एक बार फिर से शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल से साहिस्ता खान को दक्कन से मार भगाया। युद्ध में हुई जीत और माल की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए शिवाजी ने मुगलों के संपन्न शहर सूरत पर हमला कर दिया। इस हमले में औरंगजेब के हौसले पस्त होने लगे। औरंगजेब ने एक बार फिर से मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना तैयार की और उस सेना को शिवाजी पे कूच करने के लिए दक्कन भेज दिया। इस बार जयसिंह और शिवाजी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। शिवाजी को हार का सामना करना पड़ा। जयसिंह ने शिवाजी को संधि के लिए मना लिया। इस संधि को पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने 23 किले और 4,00,000 सोने के सिक्के औरंगजेब को देने पड़े। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने पुत्र संभाजी को मुगलों का मनसबदार बनाने का वादा भी करना पड़ा। जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा के किले में आने का निमंत्रण भी दिया। औरंगजेब का मकसद शिवाजी से मिलना नहीं था, बल्कि शिवाजी को अपमानित करके पिछली मिली हुई हार का बदला लेना था। इसीलिए औरंगजेब ने शिवाजी को तीसरे दर्जे के मनसबदारों के साथ खड़ा कर दिया। शिवाजी ने इस अपमान के विरुद्ध दरबार में आवाज उठा दी। औरंगजेब हतप्रभ रह गया। उसके दरबार में ऐसा पहली बार हुआ था। औरंगजेब गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को आगरा के किले में बंदी बना लिया। औरंगजेब जानता था कि दक्कन में शिवाजी का काफी वर्चस्व है और वह दक्कन के लोगों को नाराज नहीं करना चाहता था। इसीलिए औरंगजेब ने शिवाजी को मारने की जगह बंदी बनाना ही उचित समझा। शिवाजी ने एक बार फिर से इस कैद से निकलने के लिए बुद्धि का उचित प्रयोग किया। शिवाजी ने औरंगजेब से गरीब लोगों और फकीरों में मिठाई और फल बांटने के लिए कुछ बक्से मंगवाने का आग्रह किया। शिवाजी हर हफ्ते गरीबों में फल और मिठाई बांटते रहे। कुछ हफ्ते के बाद औरंगजेब के सिपाहियों को भी यकीन हो गया कि इन बक्सों में फल और मिठाइयां ही है। सैनिकों ने बक्सों की जांच करना बंद कर दी। बस इसी युक्ति से एक दिन शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ मिठाई व फल की टोकरियों में छिपकर बच निकले। इसके बाद शिवाजी मथुरा की ओर रवाना हुए। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मथुरा में एक पंडित के यहाँ कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया और खुद अपने राज्य की ओर रवाना हो गए। 1668 में एक बार फिर से मुगल सल्तनत ने शिवाजी से संधि करने की लालसा जाहिर की। जसवंत सिंह के अगुवाई में
शिवाजी और औरंगजेब के बीच एक बार फिर से संधि हुई। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान करी और उनके पुत्र संभाजी को मुगल मनसबदार बनाकर बेरार का राज्य सौंप दिया। इस संधि में औरंगजेब ने शिवाजी को आदिल शाही के किसी भी राज्य में हमला करने का अधिकार भी दे दिया। इस समय तक आदिल शाही का राज्य बहुत ही कमजोर हो चुका था। पिछली मिली दो हार को याद करके आदिल शाह ने बिना किसी युद्ध के ही शिवाजी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार से शिवाजी की ताकत दिन दुगनी और रात चौगुनी हो गई। परंतु दो साल में ही औरंगजेब ने संधि की शर्तों को तोड़ दिया और शिवाजी के पुत्र संभाजी को मनसबदार के पास से हटा दिया। शिवाजी औरंगजेब की रग रग से वाकिफ हो चुके थे, इसलिए शिवाजी ने भी दोबारा से सूरत पर आक्रमण कर दिया। सूरत पे आक्रमण करके शिवाजी की समृद्धि काफी बढ़ गई। शिवाजी ने अपने राज्य का भी काफी विस्तार कर लिया। इस विजय के बाद शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक करके खुद को छत्रपति घोषित कर दिया। राज्य अभिषेक के बाद शिवाजी ने राज्य और शासन को बेहतर बनाने के लिए अष्टप्रधान की नियुक्ति भी की। शिवाजी ने राज्य और शासन को बेहतर करने के साथ साथ महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य किए। शिवाजी बचपन से ही जीजाबाई को अपना आदर्श मानते थे, इसीलिए महिलाओं की स्थिति को बेहतर करना अपना कर्तव्य समझते थे। भारतीय राजाओं में अशोक के बाद शिवाजी ने ही एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की कोशिश करी, जिसमें शिवाजी के राज्य में मुस्लिम मौलवियों का उतना ही सम्मान था जितना कि हिंदू पंडितों का सम्मान था। शिवाजी ने भारत की पहली नेवी फोर्स को तैयार किया, इसीलिए उन्हें द फादर ऑफ नेवी भी कहा जाता है। शिवाजी ने ही पहली बार प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से मराठा राज्य में एक सभ्य शासन का निर्माण किया। शिवाजी ने 6 साल तक सफलतापूर्वक राज किया। एक लंबी बीमारी के बाद शिवाजी की 3 अप्रैल 1680 को मृत्यु हो गई और अपने पीछे एक लिगेसी छोड़ गए। शिवाजी का योगदान आज भी वर्तमान भारत के निर्माण में एक गौरवशाली उदाहरण है। उनका योगदान हमेशा अभूतपूर्व रहेगा। भारत के इस गौरवशाली इतिहास और इस महान योद्धा के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? इस गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।